श्रीनगर के बड़ग्रां सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए सूबेदार राजकुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंत्योष्टि में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज की। पैतृक गांव खन्नी की चक्की खड में हुए अंतिम संस्कार में जहां काफी संख्या में सेना बल ने उन्हें सलामी दी, वहीं स्थानीय विधायक अजय महाजन के साथ प्रशासन की ओर से तहसीलदार नूरपुर मौजूद रहे। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। स्थानीय विधायक अजय महाजन ने जहां इनके बलिदान को एक बहुत बड़ी क्षति बताया, वहीं उन्होंने देश पर प्राण निछावर करने पर गर्व की बात कही और केंद्र सरकार से और सख्ती बरतने की बात कही। ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी क्षति भी है, दुख की बात भी है और साथ में बहुत गर्व की बात भी है कि हमारे इस मिट्टी के सपूत ने देश के लिए शहादत दी और ये गांव में इन्होंने आतंकियों का घेरा था और वहाँ पे गोली चली, दो गोली इनको लगी और उसके साथ इनकी शहादत हुई। मैं ये जिस परिवार जो है उनके साथ हम सारे खड़े हैं और उनको भी कहना चाहते हैं कि ये इससे बड़ी गर्व की बात इलाके के लिए नहीं हो सकती कि जो अपने प्राण देश के लिए त्याग दें, तो हम उनके सबके साथ हैं। ये पिछले ये 3 साल में हालात बहुत बदतर हो रहे हैं। हम बहुत हमारे जो नौजवान हैं, ये आर्मी के साथी हैं, उनकी बहुत शहादतें हो रही हैं, बहुत विधवाएँ हो रही हैं, माँ की गोदें सोनी हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इंटरवेंशन पॉलिसी जो है, मतलब इसको बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा। शहीद राजकुमार के भाई सरदारी लाल का कहना है कि परिवार का सदस्य खोने का गहरा दुख है, लेकिन उनके भाई ने देश के नाम प्राण दिए हैं, जिस पर उन्हें बहुत गर्व है। वहीं आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार और कड़े कदम उठाए, उनकी ये मांग थी। मेरा भाई बहुत वीर था और हमेशा हमें भी कहते थे देश के लिए प्राण दिए। मैं तो बोलता हूँ दो भतीजे हैं मेरा, नहीं अगर सरकार करे तो आर बार की करे, जैसे बार बार भेज रहे हैं एक एक मार। लगता है आपको कहीं सरकार में थोड़ी सी कमी लग रही है? कमी हो जाएगा। गौरतलब है कि शहीद सूबेदार राजकुमार नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के खन्नी पंचायत से संबंधित थे और 1990 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं। राजकुमार बहुप्रतिभा के धनी थे, जिसमें वे निशानेबाजी के साथ खेलों में भी अव्वल खिलाड़ी थे। इसी कारण 10वीं पास होने के बावजूद भी वे सूबेदार रैंक तक पहुंचे। करवा चौथ के दिन 9 बजे अपनी पत्नी से अंतिम बार बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि वो पानी और भोजन ग्रहण कर ले और वे बिल्कुल ठीक हैं और सुबह बात करने की बात कही, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और लगभग 1:30 बजे आतंकी हमला होने पर वे सबसे आगे रहे, जिसमें वे आतंकियों की गोली की चपेट में आ गए। उनके शहीद की सूचना मिलने पर पूरे क्षेत्र में गम का माहौल हो गया है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।